हेलो कायम यूनिवर्सिटी सांबा से, मेरा नाम है अलीफराज डॉगर। मेरा क्वेश्चन है राना मशहूर साहब से और हमारे साफिया जरा से। वो बात करते हैं 13 से लेके 17 तक, तो क्या 22 से लेके 23 तक किसी गवर्नमेंट थी कि हम उसकी बात ना करें? जो भी बात की जाती है 13 से बात कर लें, उससे पीछे इस तरह तो फिर पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे भुट्टो एरा की बात कर लो, उससे पीछे गौर अयूब साहब के बेटे उमर अयूब साहब कहेंगे कि अयूब खान की गवर्नमेंट की बात कर लो, लियाकत अली खान को कि वारिस उठेगा वो कहेगा हमारी गवर्नमेंट अच्छी है। तो इस गवर्नमेंट में करें ना, जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए वो जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक से टोटली अपोजिट है। वो कहते हैं आपके दौर में तो जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 3 से भी नीचे थी, इमरान रजीम में 6 पे ग्रोथ थी। दूसरी तरफ हमारे दानिश हजरात कहते हैं, अनीक नाजी साहब ने बात की 9 मई हो गया, अल जुल्फकार की बात होगी, हमारे दानिश्वर हजरात उस चीज़ की बात क्यों नहीं करते जब सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया गया था? यहाँ हर चीज़ की बात हुई ना, यहाँ पे बात हुई महंगाई की, रोज़गार की, जो अभी जबर हो रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? जो अभी चादर और चारदीवारी पैमाल हो रही है उस पर बात क्यों नहीं हो रही? टिकट होल्डर्स के बच्चे उठाए जा रहे हैं, मेरे अपने दोस्त हैं गुजरात से, उनको उठा लिया गया, इस पे आप राणा साहब आप क्यों बात नहीं करते? आप तो सियासी वर्कर तो दूसरे सियासी वर्कर की बात करता है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। कोई हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? नवाज शरीफ को हुकूमत देनी है तो इलेक्शन का फायदा ही क्या? नवाज शरीफ को हुकूमत देने में तंग कर रहे हैं, कह रहे नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगवाना है बाबे को, मेरा तो कहने सारे बंदे मैंने तंग कर रहे हैं, कह रहे नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगवाना है बाबे को, मेरा तो कहने